हाईलाइट में तो हुआ ऐसा था कि दिन के स्टार्ट होते ही डाइनो भाई ने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो भाई दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है और अभी आप ये हाईलाइट एंजॉय करें, बीच बीच में आता रहूंगा बातचीत करने। दो बंदे लेफ्ट में बट एक चीज मैंने नोटिस करी है, मस्ती जोन जो है टीम डायनामो के वन ऑफ द प्लेयर्स राइट, वो बहुत ही अच्छे अच्छे एंगल्स निकाल रहे हैं, बहुत ऐसे ऐसे अनऑर्थोडॉक्स एंगल से पीक ले रहे हैं जहां से आप आइडियली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप फिनिशेस निकाल पा रहे हो। Killing spree for the red team. Enemy down. Enemy down. Maybe it's better next week. Cover me. Clear. Reloading. तो गाइज ये होता है हमारा पहला मैच, थोड़ा खराब गया, 36-40 स्कोर से हम लोग हार गए। तो अभी नेक्स्ट गेम देखते हैं क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है गाइज। अभी तक अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप हाईलाइट के बाद कर ही दोगे। देखिए रावण, जितना ये प्लेयर्स बोल रहे कि हम तो फन के लिए खेल रहे हैं, ये तो फन बिल्कुल नहीं है, ये मामला बहुत ही संगीन हो चुका है। डायनामो एक गलती और आप इस राउंड को हार सकते हो, स्कोर या तो 2-0 का हो जाएगा या फिर 1-1 का हो सकता है। चारों के चारों मतलब आठों खिलाड़ी को अगर आप देखें अपने पोजीशन को लॉक करके रखे हुए, कोई आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब ये कितना देर तक ये सिचुएशन चल सकता है, वक्त की कमी नहीं है मेरे अनुसार। फिक्सेस 3-3.5 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तो एक खिलाड़ी तो जरूर से इस टाइम में अपने रोकने की क्षमता को खो देंगे और शील बैटल करते हैं। ओमिगोतो चिकन डिनर की खुशबू आ रही मेरे को। तो गाइस ये रहा दूसरा मैच काफी इंटेंस हो गया, थोड़ा फन भी किया हमने, टाई हो जाता है, हमारे भी ठीक ठाक किल्स थे, सभी ने अच्छा खेला, फाइनली इट वाज अ टाई ब्रेकर। अब थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड मैच देखना, यहां से हमारा स्टार्ट होता है कमबैक। तो गाइस ये रहा थर्ड मैच, 40-33 के स्कोर से हम लोग जीत चुके हैं ये वाला राउंड, काफी इंटरेस्टिंग राउंड था, थोड़ा पसीने भी छूटे बट कोई नहीं, एंजॉय करते रहिए गाइस हाईलाइट को। Left,
गाइस ये वाला तो मैच पता नहीं क्या ही हो गया, 40-29 के स्कोर से हम लोग आ रहे। टीम स्नैक्स ने काफी अच्छा खेला एंड थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स भी हमसे, बट नेक्स्ट वाले में हम इस बार सच्चे वाला कम आउट करेंगे। यार इसके बारे में पता ही नहीं था। पॉइंट मत दो, अच्छा खासा लीड था हमारा। एक मिनट में आ गया एक्सपायर कवर मी। एक ब्लॉक पे, ब्लॉक पे मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, मार मार इसको प्राइम, इसको मार। और गाइस ये वाला मैच भी टोटली गूज़बम्प्स थे। 36-39 के स्कोर से हम लोग जीत जाते हैं। काफी कट टू कट मैच था, मजा आया। उन्होंने भी अच्छा खेला, हमने भी अच्छा खेला। लेट्स गो गाइस, वॉच आउट। अरे भाई, वॉच आउट। डैमेज 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 एक्सपायर्ड। मैं मर, एनिमी डाउन, डेड। ब्लॉक पे बनना, ब्लॉक पे बनना। No mercy. The red team is about to win. गाइज और इस मैच का स्कोर तो आप लोगों के आगे 39-40 एंड तक काफी इंटेंस हो गया था, बट मजा बहुत आया गाइज। लास्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। क्या ये डिसाइडर मैच था? 10 पॉइंट का फासला था, लेकिन उसके बाद भी टीम डायनेमो क्या मंत्र पढ़ दिए उस टाइम की, आपकी टीम इतना ज्यादा बेहतर करके चली गई। टुवर्ड्स द वेरी एंड आई थिंक एक पॉइंट पे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा है एंड ये जो वक्त था, वक्त का इन्होंने सही इस्तेमाल किया और आखिरी एम मोमेंट पे वो एक फाइनल फिनिश निकालना, वो मैच जीतना। वाओ गाइस, ये था फाइनल मैच, काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। लास्ट वाला किल तो मेरे भाई ने लिया, भाई लिटरली हाथ चीयर कर रहे थे एंड काफी अच्छा लग रहा है डायनो भाई की टीम में फर्स्ट टाइम खेलकर एंड कोई एक टूर्नामेंट हमने जीता है साथ में। गाइस बहुत प्राउड फीलिंग, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट डे जो मेरी बुक्स में आ चुका है गाइस। ये गाइस जिसने भी हाईलाइट को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर देना गाइस, तुम्हारे भाई का ही चैनल। इधर बहुत फन फन हाईलाइट्स एंड अपन लाइव स्ट्रीम्स करते रहते हैं। मेक श्योर आप रेगुलरली अपने चैनल पे आओ एंड यू ही प्यार देते रहो।